आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको यिप्त्याह की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको न्यायों की पुस्तक के 10 अध्याय में 6 वचन से 12 अध्याय के 7 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था। तब इज़राइलियों ने फिर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और बाल देवताओं और अश्तोरे देवियों तथा अराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और पलिश्तों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया। तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया और वे 18 वर्ष तक उन पर अंधेर करते रहे। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और कहा कि हमने महापाप किया है और अपने परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं की उपासना की है। तब यहोवा ने इज़राइलियों से कहा कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के हाथ से नहीं छुड़ाया था, लेकिन तुमने मुझे त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की, इसलिए मैं फिर तुमको नहीं छुड़ाऊंगा। जाओ अपने देवताओं की दुहाई दो, वे ही तुम्हें छुड़ाएंगे। तब इज़राइलियों ने कहा कि हमने पाप किया है, इसलिए जो तेरी दृष्टि में भला हो वही कर, परंतु अभी हमें छुड़ा ले। तब इज़राइलियों ने पराए देवताओं को अपने मध्य से दूर किया। तब यहोवा इज़राइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुए और उसी समय अमोनियों ने गिलाद में अपने डेरे डाले और इज़राइली भी मिस्पा में इकट्ठे हुए। तब गिलाद के कई हाकिम कहने लगे, कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? जो भी ऐसा करेगा वही गिलाद के सब निवासियों पर प्रधान ठहरेगा। उस समय यिप्त्याह नाम का एक गिलादी पुरुष था जो बड़ा शूरवीर था और एक वैश्या का बेटा था। उसके पिता का नाम गिलाद था। गिलाद के और भी बेटे उत्पन्न हुए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने यिप्त्याह को यह कहकर निकाल दिया कि वह एक वैश्या का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में उसका कोई भाग ना होगा। तब यिप्त्याह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब नामक देश में रहने लगा और यिप्त्याह ने अपने पास कुछ लुच्चे पुरुष इकट्ठे किए जो उसके संग फिरने लगे। जब अमोनी लोग इज़राइल से लड़ने लगे तब गिलाद के वृद्ध पुरुष तोब नामक देश में यिप्त्याह के पास उसे लाने गए और उन्होंने यिप्त्याह से कहा कि चलकर हमारा प्रधान हो जा ताकि हम अमोनियों से लड़ सके। तब यिप्त्याह ने गिलाद के वृद्ध पुरुषों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से नहीं निकाल दिया था? अब जब तुम संकट में पड़े हो तो मेरे पास क्यों आए हो? तब गिलाद के वृद्ध पुरुषों ने कहा, तू हमारे संग चलकर अमोनियों से लड़ और हम तुझे गिलाद का प्रधान ठहरा देंगे। तब यिप्त्याह ने कहा कि तुम मुझे मेरे घर ले जाकर मुझे अपना प्रधान बनाना चाहते हो? तब गिलाद के लोगों ने कहा कि हाँ, हम ऐसा ही करेंगे और यहोवा हमारे और तेरे बीच में साक्षी है। तब यिप्त्याह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसे अपना प्रधान और मुख्य ठहराया और यिप्त्याह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सामने कह सुनाई। तब यिप्त्याह ने अमोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? तब अमोनियों के राजा ने यह कहला भेजा कि इज़राइली मिस्र से आए और उन्होंने अर्नोन से यब्बोक तक जो मेरा देश था उसे छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए मुझे वापस दे दे। तब यिप्त्याह ने यह कहला भेजा कि इज़राइल ने ना तो मोआब का देश लिया है और ना ही अमोनियों का, यह वह देश है जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने उन्हें दिया है। और क्या तू वह देश जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने उन्हें दिया है उसे छीनकर उसका अधिकारी बन पाएगा? सुन, जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले उनके देश के अधिकारी हम होंगे। मैंने तेरा अपराध नहीं किया है, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है, इसलिए यहोवा न्यायी है, वह इज़राइलियों और अमोनियों के बीच में न्याय करे। यिप्त्याह के इतना कहने पर भी अमोनियों के राजा ने उसकी बात नहीं मानी। तब यहोवा का आत्मा यिप्त्याह में समाया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर मिस्पे में आया और मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला
और यिप्तहा ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मानी कि यदि यहोवा अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे और मैं कुशल से अमोनियों के पास से लौट जाऊं, तब जो कोई मुझसे मिलने के लिए मेरे घर के द्वार से सबसे पहले निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तहा अमोनियों से लड़ने उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको यिप्तहा के हाथ में कर दिया और वह अरोवेर से लेकर मिन्नित तक जो कुल 20 नगर है अमोनियों को मारता गया और अमोनी इज़राइल से हार गए। तब जब यिप्तहा अमोनियों पर विजय होकर मिस्पा में अपने घर आया तब उसकी बेटी टफ बजाती और नाचती हुई उससे मिलने को निकली। वह उसकी इकलौती बेटी थी। उस बेटी के अलावा यिप्तहा की कोई संतान नहीं थी। जब यिप्तहा ने अपने घर से अपनी बेटी को निकलते हुए देखा तो वह उसे देखते ही कपड़े फाड़ कर विलाप करने लगा। हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी है और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और अब मैं उसे टाल नहीं सकता। तब उसकी बेटी ने उसे कहा कि हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है और जो बातें तेरे मुँह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे शत्रु अमोनियों से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से यह भी कहा कि मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे ताकि मैं अपनी सहेलियों के संग पहाड़ों में फिरती रहूं और अपने कुवारेपन पर रोती रहूं। तब यिप्तहा ने कहा कि जा मेरी बेटी, ऐसा ही कर। तब यिप्तहा ने अपनी बेटी को 2 महीने के लिए जाने दिया कि वह अपनी सहेलियों के साथ अपने कुवारेपन पर रोती रहे। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और जो मन्नत यिप्तहा ने मानी थी उसको उसने पूरा किया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यिप्तहा ने अपनी मानी हुई मन्नत के अनुसार अपनी बेटी को यहोवा के सम्मुख अर्पण किया। कई मसीह विरोधी यह बोलते हैं कि यिप्तहा ने अपनी बेटी को यहोवा के सामने होम बलि चढ़ाने के लिए उसका वध किया, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर नरबलि से घृणा करता हो वह परमेश्वर यिप्तहा को ऐसे कैसे करने दे सकते हैं? और यिप्तहा भी जो कि एक इजरायली था, वह जानता था कि यहोवा की आज्ञा है कि हम कभी बेटे या बेटी को होम करके ना चढ़ाएं, तो यिप्तहा भी ऐसा नहीं कर सकता। मसीह विरोधी लोग इस घटना के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं तथा लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं। वास्तव में जब यिप्तहा की बेटी को उसकी मानी हुई मन्नत के अनुसार यहोवा को अर्पण कर दिया गया तो इसका मतलब है कि उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा की सेवा के लिए अर्पण कर दिया गया था। जिन 2 महीनों के लिए यिप्तहा की बेटी ने उससे समय मांगा था, उन 2 महीनों तक वह अपने कुवारेपन का रोना रोती रही। इसका मतलब यिप्तहा की बेटी यहोवा के भवन की सेवा के लिए अर्पण की गई और उसने जीवन भर विवाह नहीं किया। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब यिप्तहा अमोनियों से युद्ध करके वापस लौटा तो अप्रेमी पुरुष सापोन में जाकर यिप्तहा से कहने लगे कि जब तू अमोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग क्यों नहीं लिया, हम तेरे घर समेत तुझे जला देंगे। तब यिप्तहा ने कहा कि मेरा अमोनियों से बड़ा झगड़ा हो गया था, जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तो तुमने मुझे नहीं बचाया, इसलिए कि उस समय तुमने मेरी सहायता नहीं की। मुझे लगा कि तुम आगे भी मेरी मदद नहीं करोगे, इसलिए मैं अपने प्राणों को हथेली पर लेकर अमोनियों से लड़ने को चला गया और यहोवा ने उन्हें मेरे हाथ में कर दिया। तब यिप्तहा गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके अप्रेमियों से लड़ा और उनके 42,000 पुरुषों को मार डाला। इस प्रकार यिप्तहा 6 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा और जब तक वह जीवित रहा तब तक इसराइल में शांति बनी रही। जब वह मर गया तो उसे उसके गृह नगर गिलाद में ही मिट्टी दी गई। प्रियो, अब कुछ बातें हैं जो यिप्तहा के जीवन से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यिप्तहा की माँ एक वेश्या थी और यिप्तहा का जन्म एक नाजायज संतान के रूप में हुआ। जब यिप्तहा के भाई बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता की संपत्ति को यिप्तहा के साथ बांटने से इनकार कर दिया और उसके भाइयों ने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रियो, यिप्तहा को अपनी कम उम्र में ही अपने पिता के पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। नाजायज पुत्र होने के कारण उसे घर से भी निकाल दिया गया था। प्रियो, यहाँ गलती यिप्तहा के पिता की थी,
लेकिन हम देखते हैं कि इसका परिणाम यिप्तहा को भुगतना पड़ा। वैसे ही प्रियो, हम यह ध्यान रखें कि हमारे पाप ना केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पाप का परिणाम ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए प्रियो, हम पाप के प्रति सावधान रहें, क्योंकि पाप के परिणाम दुखदायी होते हैं, जिससे ना सिर्फ हम लेकिन हमसे संपर्क रखने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। हम यह भी देखते हैं प्रियो कि जब यिप्तहा को परिवार द्वारा अस्वीकार किया गया तो उसने उस समय अपने आप को संभाल लिया और एक पराक्रमी और वीर योद्धा बन गया, जो हमें यह सिखाता है कि दूसरों के पाप के कारण विलाप करने के बजाय हम यह देखें कि परमेश्वर की आशा हमारे लिए मौजूद रहती है। परमेश्वर कुछ चीजों को इसलिए होने देते हैं ताकि उसके द्वारा वह हमारे चरित्र का निर्माण कर सके। यिप्तहा अगर अपने भाइयों द्वारा त्यागा नहीं जाता तो शायद वह एक योद्धा भी नहीं बनता। एक और बात प्रियो जो हम इस घटना से सीखते हैं कि हमें मन्नत को मानते समय सावधानी रखनी चाहिए। यिप्तहा ने भी जल्दबाजी में आकर एक ऐसी मन्नत मांग ली जिसने उसकी कमर तोड़ दी। बाइबल हमको यह सिखाती है कि जो मन्नत हम मांगते हैं उसे हमें पूरा जरूर करना चाहिए। हम यदि मन्नत मानकर उसे पूरी ना कर सके तो मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए मन्नत तो मांग लेते हैं, लेकिन जब उन्हें उनकी मांगी हुई चीज मिल जाती है और फिर जब मन्नत पूरा करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं और मन्नत पूरी नहीं करते हैं। प्रियो, एक बात ध्यान रखें कि यदि आप मन्नत मानकर उसे पूरा नहीं करते तो आप परमेश्वर को धोखा देते हैं। इसलिए अगर आपकी शक्ति में हो और आप मन्नत को पूरी करने के सामर्थ्य रखते हो तो ही उसे आप माने, अन्यथा उसका ना मानना ही बेहतर है। एक और बात प्रियो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यिप्तहा ने अपनी बेटी को होम बलि करके नहीं चढ़ाया था, उसने परमेश्वर के मंदिर की सेवा के लिए अपनी बेटी को अर्पण कर दिया था। वह उसकी इकलौती बेटी थी और उसका विवाह भी नहीं हुआ था, इसलिए यिप्तहा इतना दुखी और व्याकुल हो गया था। प्रियो, हम देखते हैं कि जब मन्नत पूरी करने का समय आया तो यिप्तहा पीछे नहीं हटा। भले ही उसे कुछ दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर को दिए हुए अपने वायदों को यिप्तहा ने पूरा किया। वैसे ही प्रियो, यदि हमें दुख उठाकर भी परमेश्वर से किए गए वादों को पूरा करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आशा करती हूँ प्रियो, यिप्तहा की कहानी का यह विवरण आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।